हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अजय देवगन और आर माधवन की मूवी शैतान की ओटीटी रिलीज डेट और ओटीटी रिलीज एग्जैक्ट टाइम को लेकर। फ्रेंड्स, जब ये डिसाइड किया गया था कि जो मूवी थिएटर में आती है उन्हें ओटीटी पर भी रिलीज किया गया था, तो जो उन्होंने आपस में डील की थी वो डील ये थी कि जब मूवी थिएटर में आएगी उसके 8 वीक्स के बाद उसे ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। उन सबका मानना था कि 8 वीक्स एक मूवी के लिए इनफ होते हैं, तब तक वो अपना बॉक्स ऑफिस लिटरली खत्म हो चुका होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बंदा है जिसका नाम है अजय देवगन, जिसकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे आराम से 3-4 महीने चिपकी रहती हैं। ऐसे ही कुछ इस टाइम हमें शैतान के साथ देखने को मिल रहा है। शैतान मूवी कब आई थी? 8 मार्च को। आज क्या चल रहा है? 2 मई को। ऑलमोस्ट 7 वीक्स से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके पास शोज हैं और अभी तक उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आ रही हैं। फ्रेंड्स, शैतान मूवी ने इंडिया में 150 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन की है और वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन की है और इसे सुपर हिट टैग मिल चुका है। पब्लिक ने भी इस मूवी को बहुत प्यार किया और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और तीनों जो परफॉर्मेंसेज हैं, अजय देवगन, ज्योतिका और आर माधवन की, इन तीनों की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिली है। तो फ्रेंड, फाइनली वो डे आ गया कि शैतान मूवी को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है। यस फ्रेंड्स, 3 मई की सुबह 12 बजे आपको शैतान मूवी नेटफ्लिक्स के ओकेजन पर रिलीज होती दिखाई देगी। यानी आज रात सीधा 12 बजे आपको शैतान मूवी नेटफ्लिक्स के ओकेजन पर रिलीज होती दिखाई देगी। फ्रेंड, आप में से काफी फैंस का ये जेन सवाल होगा कि हीरा मंडी को क्यों नहीं रात 12 बजे रिलीज किया गया था, तो इसका कोई आंसर जेन्युइन तो नहीं है, लेकिन जो हमारी समझ में चीज आती है वो ये कि जब कोई मूवी रिलीज की जाती है नेटफ्लिक्स पे या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और वो मूवी पहले थिएटर में रिलीज हो चुकी हो तो वो एग्जैक्ट आ जाती है रात को 12 बजे। लेकिन कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि सिर्फ उस ओटीटी का हो, जैसे हीरा मंडी था, जैसे मिर्जापुर वगैरह, तो उसका टाइम थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं मेकर्स। लेकिन इस साल जितनी भी मूवीज नेटफ्लिक्स पे आई हैं, आप फाइटर देख लें, आप आर्टिकल 370 देख लें, वो सारी रात को 12 बजे एग्जैक्ट आ गई थी। फ्रेंड्स, मैं तो पर्सनली तौर पर एक बार फिर शैतान मूवी ओटीटी पर इंजॉय करने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने मूवी पहले भी देख रखी है, लेकिन इस मूवी का जॉनर इतना बड़ा है, इतना बढ़िया इसका सस्पेंस आता है, इतना मजे का ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है कि आपको ये मूवी एटलीस्ट 2 से 3 बार देखने पे मजबूर कर देती है। तो फ्रेंड्स, मार्क योर डेट्स एंड कैलेंडर्स, ऑन 3 मई आपको रात 12 बजे शैतान मूवी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।